अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड फोर, अब आपको मुझे उम्मीद है कि नंबर को ऑर्डर में लिखना तो आ गया होगा, कंपेयर करना भी आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमने क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो अब हम नंबर्स को लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स यानी नंबर बड़े से छोटे की तरफ जाएगा, यानी कम होता जाएगा। डिक्रीज का मतलब है कम होना, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और सबसे आखिर में सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विल कम इन द एंड। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब हमारे क्वेश्चन नंबर वन है। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने देखना है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी सबसे बड़ा नंबर हमें ढूंढना है। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर और डिजिट्स किसके हैं। ये तो सबसे छोटा होगा, ठीक है ना, इसके नंबर और डिजिट सबसे कम है। और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर है 7 डिजिट नंबर, यहाँ पे भी 7 डिजिट हैं, और ये क्या यहाँ पर आ रहे हैं 9-10 डिजिट नंबर, ठीक है। 100 मिलियन के बाद ये बिलियन पे चला गया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 डिजिट नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ जी, 10 डिजिट नंबर। वेरी गुड, ये नंबर तो सबसे बड़ा होगा क्योंकि इसके नंबर और डिजिट सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके 10 डिजिट्स हैं, बाकी सबके 9 है, किसी का 7 है और इसका भी 7 है। जनाब ये हम नंबर सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसमें हम सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं छोटा नंबर छोटा होता जाता है। अच्छा, इसको कट कर देते हैं, बाकी ये रह गए 4 नंबर। इनमें से देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे पहले नंबर और डिजिट्स देखते हैं, इसके 7 है, इसके 7 है और इसके 9। तो साफ सी बात है कि ये नंबर तो इन दोनों से ग्रेटर है। तो यहाँ पर आ गए 212355315। इसको कट कर देते हैं। अब जनाब ये भी 7 डिजिट नंबर है, ये भी 7 डिजिट नंबर है, इनमें कौन सा बड़ा होगा। फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर किया है, 1 है, ये 3 है। ऑफ कोर्स 3 इज़ ग्रेटर, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर ग्रेटर है। 099। और सबसे इसके बाद छोटा नंबर ये आ गया, यानी इसको तो हम कट कर देते हैं। बाकी ये दोनों रह गए, इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है। तो हम ये लिखेंगे 14356। और सबसे छोटा नंबर यहाँ पे आ गया 3100। तो इस तरीके से हमने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अच्छा, अब बाकी ये सवाल आप खुद करेंगे। ट्रिक आपको पता चल गया, सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। अब क्योंकि हमने ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखना है, तो आप देखेंगे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिजिट किसके हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9, 10, 11 डिजिट नंबर है ये, बाकी सारे 9 डिजिट हैं, कोई 8 डिजिट है, तो सबसे बड़ा है तो ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे 9 डिजिट नंबर है, ये है, फिर ये दोनों इक्वल हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है। तो मेरे ख्याल से अब ये बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे ना, इंशाल्लाह। तो ये दोनों सवाल अब आप खुद करेंगे और अपना होमवर्क सबमिट करवाएंगे।